हे फ्रेंड्स, वेलकम टू SGT। तो हमने प्रीवियस लेक्चर पढ़ा था मेन मेथड के बारे में। हमने पढ़ा था कि मेन मेथड क्या होती है और मेन मेथड पब्लिक क्यों है, स्टैटिक में, वॉइड क्यों है। अगर आपको नहीं पता है मेन मेथड के बारे में, आपको वीडियो की लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या आई बटन पर जाकर देख सकते हो। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एंटायर कोर्स जावा, जो कि हमारा गेटर एंड सेटर मेथड। तो चलिए देखते हैं क्या होती है गेटर एंड सेटर मेथड। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं गेटर एंड सेटर मेथड, गेटर एंड सेटर मेथड। तो बेसिकली इसको कोई बोलते हैं कि गेट एंड सेट मेथड, गेट एंड सेट मेथड, ठीक है। तो बेसिकली क्या होती है गेट एंड सेट मेथड। अगर बात करें गेट का, तो गेट का मतलब क्या होता है, कुछ पाना यानी कि अचीव करना। अगर सेट का बात करें तो सेट का मतलब होता है वैल्यू को सेट करना। तो जो गेट मेथड होता है वो यूज करी जाती है इनपुट लेने के लिए, यानी कि या तो आप यूजर से इनपुट लेते हो, खुद ही आप डिफाइन करो। बेसिकली गेट मेथड होता है वैल्यू इनपुट लेने के लिए, फॉर इनपुट द वैल्यू, ठीक है। तो अगर बात करें सेट मेथड का, तो सेट मेथड का काम ये है, जो वैल्यू गेट मेथड यूजर से लेगा या हम उसको प्रोवाइड करेंगे, उस वैल्यू को कंसोल पे डिस्प्ले कराना, यानी कि सेट करना, ठीक है, उस वैल्यू को सेट करना। सिंपल है। अगर मान लो यहाँ पर आपने करा int x equal to 10, तो मैं यहाँ पर करा, सपोज कर लो ऐसे होता नहीं है, मैं आपको थोड़ा सा फ्लेवर दे रहा हूँ गेट मेथड का। तो इसमें मैंने पास कर दिया x को, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू को गेट कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ x की वैल्यू को कंसोल पे शो कराने के लिए, मैं क्या करूँगा, x की वैल्यू को सेट करूँगा बाय यूजिंग सेट मेथड। मैं क्या करूँगा, सेट ऑफ x। तो यहाँ तक हमने सीखा जो गेट मेथड होता है वैल्यू को गेट करने के लिए, और जो सेट मेथड होता है वैल्यू को सेट करने के लिए, यानी कि जो वैल्यू को गेट मेथड आज इनपुट गेट करेगा, उस वैल्यू को सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट मेथड को। तो ये तो मतलब छोटा सा फ्लेवर हो गया आपको बताने के लिए कि व्हाट इज गेट मेथड एंड व्हाट इज सेट मेथड। तो बेसिकली इसको जावा की पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो मैं आपको बता दूँ, ये यूज करी जाती है एनकैप्सुलेशन। मैं आपको आगे बताऊंगा क्या होती है एनकैप्सुलेशन, किस तरह से हम वैल्यू को एक एनकैप्सुलेट कर सकते हैं। यानी कि मान लो एनकैप्सुल का मतलब क्या होता है, अगर बात करें कैप्सूल, इसका मतलब क्या होता है, बंद करना। तो आपने देखा होगा कुछ मेडिसिन होते हैं जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल्स। इसका मतलब ये हुआ, उस मेडिसिन के अंदर ऐसे कुछ चीज़ें मिली हुई हैं जिसको एक जगह में बंद करके रखा है, जिसको हम बोलते हैं कैप्सूल। हालांकि इतनी नॉलेज है नहीं मेडिसिन के बारे में, मैं आपको छोटा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। बेसिकली कैप्सूल क्या होता है, बेसिकली आपने देखा होगा कि जैसे कैप्सूल क्या होती है, उसके अंदर मल्टीपल चीज़ें होती हैं। तो सपोज कर लो यहाँ पर कुछ मेडिसिन है जिसका नाम है ए, ये पहला मेडिसिन, बी दूसरा मेडिसिन हो, सी हमारा तीसरा मेडिसिन है। इसका मतलब ये हुआ मेरे को तीनों मेडिसिन की ज़रूरत है, यानी कि मेरे को ए भी चाहिए और बी भी चाहिए, ए भी चाहिए मेरे को और मेरे को चाहिए बी, और मेरे को चाहिए क्या, सी भी चाहिए। तो ये तीनों मेरे को चाहिए, यानी कि ए और बी और सी चाहिए, ये तीनों मेडिसिन हैं, ठीक है, ये तीनों मेरे को चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इन तीनों को अलग अलग ले सकता हूँ, या तो मैं तीनों को एक ही साथ मिलाकर ले सकता हूँ। अगर मैं तीनों को एक ही साथ मिला ले, यानी कि एक बन जाते कैप्सूल, मैं क्या करूँगा, कैप्सूल ऑफ ए बी और सी। सिंपल है। तो बेसिकली ऐसे होता नहीं है, मतलब आपको थोड़ी रियल वर्ल्ड से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ आपको बताने के लिए कि बेसिकली कैप्सूल क्या होते हैं। ये तीनों मेडिसिन से ए और बी और सी, तो इसको मैंने एक जगह पे भर्ती कर दिया, बंद कर दिया, जिसको मैं बोलता हूँ कैप्सूल। तो अगर मान लो यहाँ पर मैंने करा प्राइवेट इंट एक्स, ठीक है, इक्वल टू 10 कर लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ जो एक्स की वैल्यू 10 है, इसको कोई एक्सेस ना कर पाए। तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, मैं कर रहा हूँ प्राइवेट इंट एक्स इक्वल टू 10। हालांकि प्राइवेट एक मॉडिफायर, मैं आगे बताऊँगा प्राइवेट मॉडिफायर क्या होती है। मैं तो मतलब छोटा सा ओवरव्यू दिया है मॉडिफायर के बारे में, आगे बताएंगे कि बेसिकली प्राइवेट मॉडिफायर क्या होती है। तो अगर बात करें प्राइवेट का, तो अगर कोई मॉडिफायर प्राइवेट है, उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते आउटसाइड ऑफ क्लास। यहाँ तो सिंपल है। तो मान लो ये जो इंट एक्स 10 है, इसको कोई दूसरा क्लास एक्सेस करना चाहता है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये प्राइवेट है। तो मैं चाहता हूँ इसको एक्सेस करने के लिए, लेकिन प्राइवेट नहीं होना चाहिए, यानी कि प्राइवेट ही रहेगा, लेकिन मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा यहाँ पर, मैं यूज करूँगा गेट एंड सेट मेथड का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो इंट एक्स 10 है, ये इनकैप्सुलेटेड, यानी कि प्राइवेट है, इसको कोई एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं चाहता हूँ इसको एक्सेस करने के लिए, तो सिंपली मैं यूज करूँगा गेट एंड सेट मेथड का। बाय यूजिंग गेट एंड सेट मेथड वी कैन एक्सेस प्राइवेट मेंबर्स, यानी कि अगर कोई भी मेंबर प्राइवेट है, उसको हम गेट और सेट मेथड को यूज करके हम उसको एक्सेस कर सकते हैं आसानी से। हालांकि हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन हम गेट और सेट मेथड को यूज करके हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहां तक हमने सीखा कि बेसिकली गेट और सेट मेथड यूज करी जाती है वैल्यू को गेट करने के लिए, सेट करने के लिए। हालांकि जो वैल्यू हम गेट करेंगे, उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं सेट मेथड को। यहां तो सिंपल है। ये बेसिकली यूज क्यों करी जाती है, इसके लिए यूज करी जाती है प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए। यानी कि अगर मान लो आपकी कोई मेंबर है जो कि एनकैप्सुलेटेड, यानी कि प्राइवेट है, इसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता,
तो इस टाइम पर हम बाय यूजिंग गेट एंड सेट मेथड वी कैन एक्सेस देम इजीली। यानी कि हम इस जो प्राइवेट इंडेक्स इक्वल टू 10 है इसको हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग गेट एंड सेट मेथड। तो चलिए इसको जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि बेसिकली किस तरह से हम गेट एंड सेट मेथड का एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने को पता है जावा में कोड लिखना है तो टेक्स्ट एडिटर चाहिए उसके लिए। तो यहाँ पर मैंने अपनी जो टेक्स्ट एडिटर उसको ओपन कर चुका हूँ। तो पहली बात पहले सेव रखा है जो कि हमारे एग्जाम्पल डॉट जावा, यानी कि जावा की जो फाइल नेम है उसका नाम एग्जाम्पल डॉट जावा। तो बेसिकली क्लास का नाम एग्जाम्पल का नाम सेम होना चाहिए। यहाँ पर मैंने करा क्लास एग्जाम्पल, ठीक है, यहाँ पर मैंने करा क्लास एग्जाम्पल। फिर यहाँ पर मैं डिफाइन करता हूँ क्लास की वॉड। फिर हम डिफाइन करते हैं मेन मेथड जो कि हमारा है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग अरे ARGS। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। अगर आप कोई भी जावा की प्रोग्राम इंप्लीमेंट कर रहे हो आपके पास ये चीज़ें तो होनी चाहिए, यानी कि मेन मेथड वगैरह जो भी सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, मैं दूसरी क्लास क्रिएट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को दूसरी क्लास में इसको एक्सेस करना है। जैसे कि मैंने बताया मैंने करा क्लास स्टूडेंट, ठीक है, क्लास स्टूडेंट। आगे बताऊँगा मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ इंट रोल नंबर, ठीक है, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा इंट एज, पहले हम नेम ले लेते हैं स्ट्रिंग नेम, और यहाँ पर मैंने करा इंट एज, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ ये जो तीनों चीज़ें हैं इसको मैं कंसोल पे शो करना चाहता हूँ, ठीक है। यानी कि व्हाट द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट, व्हाट द नेम ऑफ स्टूडेंट, व्हाट द एज ऑफ स्टूडेंट, यानी कि स्टूडेंट की रोल नंबर नेम और एज को मैं यहाँ पर शो करना चाहता हूँ। तो सिंपल है, तीनों के तीनों मेरे इंस्टेंस वेरिएबल है जो कि अवेलेबल है क्लास स्टूडेंट के अंदर। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा इसको एक्सेस करने के लिए, जिसको आपको पता है यहाँ पर मैं करते हैं ऑब्जेक्ट को क्रिएट। यहाँ पर मैंने करा स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है, न्यू स्टूडेंट। यहाँ तो सिंपल है, ऑब्जेक्ट बन चुका है, ऑब्जेक्ट की रेफरेंस है एस। तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वी कैन कॉल इंस्टेंस वेरिएबल फ्रॉम स्टैटिक एरिया। तो यहाँ पर मैं करा सिस्टम, डायरेक्टली कर रहा हूँ मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर हम करते हैं द रोल नंबर, ठीक है, द रोल नंबर स्टूडेंट इज, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है इसको यहाँ पर मैं एक्सेस करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से। मैंने करा प्लस, तो यहाँ पर मैं करा ऑब्जेक्ट की रेफरेंस एस डॉट, फिर जो रोल नंबर जो हमारे वेरिएबल के नाम है उसको यहाँ पर पुट करते हैं ताकि हम इसको कॉल कर पाएँ। एस डॉट रोल नंबर इक्वल टू, मैं चाहता हूँ इसका रोल नंबर हो जाए 1, और इसको मैं देता हूँ यहाँ पर सेमी कॉलन ताकि एंड ऑफ स्टेटमेंट पता चले। यहाँ पर मैं करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो फिर उसके बाद हम करते हैं द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, ठीक है, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, जैसे हमने वहाँ पर करा था कुछ इस तरह से कर लेते हैं प्लस। फिर यहाँ पर मैं करा एस डॉट नेम, तो नेम हमारा क्या है, नेम मान लो यहाँ पर हम कर लेते हैं सचिन कर लेते हैं, कुछ भी नेम हो सकता है सचिन, सिंपल है। तो बेसिकली यहाँ पर जो रोल नंबर नेम प्रिंट हो चुके हैं, यहाँ पर मैंने करा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ इस तरह से, मैंने करा द एज ऑफ स्टूडेंट इज, द एज ऑफ द स्टूडेंट इज, तो यहाँ पर मैंने करा एज डॉट एज इक्वल टू, तो एज यहाँ पर मान लो 21 कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्राम है बिल्कुल बनके तैयार है। इतनी कोड की मदद से हम स्टूडेंट क्लास के जो भी सारे मेंबर्स हैं, यानी कि जो रोल नंबर नेम और एज जो भी सारे मेंबर्स हैं, इसको हम एग्जांपल क्लास में एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट की रेफरेंस जो कि हमारा स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया मैंने। तो स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट को यूज करके तो यहाँ पर मैं स्टूडेंट क्लास के जो मेंबर है उसको मैं एक्सेस कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। तो यहाँ पर इसको सेव करते हैं, देखते हैं चल रहा है कि नहीं। यहाँ पर मैंने करा कंट्रोल शिफ्ट एस CMD। अभी यहाँ पर मैं कर रहा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, क्योंकि जो एग्जाम्पल डॉट जावा के अंदर हमारा मेन मेथड है तो मेन मेथड की ज़रूरत है हमको। तो यहाँ पर मैं कर रहा जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, बिल्कुल चल रहा है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, जावा एग्जाम्पल, ठीक है। तो यहाँ पर साफ साफ शो कर रहा है द रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट इज 1, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज सचिन, एंड द एज ऑफ द स्टूडेंट इज 21। हालांकि जो भी वैल्यू हमने इनपुट करा था वही वैल्यू यहाँ पर शो करें, यानी जो रोल नंबर था हमारा 1 ही था, नेम था सचिन और एज था हमारा 21। तो ये जो प्रोग्राम था, इस प्रोग्राम की मदद से हम कोई भी स्टूडेंट का रोल नंबर नेम एज अगर कोई भी अलग डाटा है आप इसको आसानी से यहाँ पर विजिबल करवा सकते हो कंसोल पे। लेकिन मैं चाहता हूँ जो इंट रोल नंबर है ये प्राइवेट हो जाए, यानी कि इसको कोई और एक्सेस ना कर पाए, यानी कि स्टूडेंट का रोल नंबर क्या है इसको कोई देख ना पाए, यानी कि मैं इसको एनकैप्सुलेट कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने करा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, हालांकि जो स्टूडेंट का नेम है इसको भी हमें शो करना नहीं चाहता। मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा प्राइवेट स्ट्रिंग नेम, एज के लिए भी कर लेते हैं प्राइवेट इंट एज, ठीक है।
यानी कि ये जो तीनों मेंबर है, तीनों के तीनों प्राइवेट हैं, इसको मैं अलग क्लासेस को एक्सेस करने के लिए नहीं दे रहा हूँ। हालांकि जो तीनों मेंबर हैं, तीनों के तीनों प्राइवेट है, क्योंकि मैं चाहता हूँ रोल नंबर, नेम और एज ये सेफ रहे, सिक्योर रहे, इसको कोई और देख ना पाए, इसको कोई और एक्सेस ना कर पाए। चलिए देखते हैं ये चल रहा है कि नहीं। अगर मैं इसको प्राइवेट बनाता हूँ तो नहीं चलेगा, एरर ही आएगा, क्योंकि जो प्राइवेट मेंबर है ये हमारे क्लास स्टूडेंट के हैं। विद इन क्लास हम इसको एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन आउटसाइड ऑफ क्लास हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि स्टूडेंट क्लास के मेंबर है, हम इसको एग्जाम्पल क्लास में एक्सेस नहीं कर सकते। देखते हैं करके क्या हो रहा है। कंट्रोल एस जावा सी एग्जाम्पल और जावा एरर आ जा, आगे एरर जो कि है रोल नंबर आज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट, तो हम इसको एक्सेस नहीं कर सकते। एग्जाम्पल क्लास में साफ साफ बता रहे नेम आज प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट, एज आज ऑल्सो प्राइवेट एक्सेस इन स्टूडेंट। तो जो भी प्राइवेट मेंबर्स होते हैं, तो आप उसको आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, विद इन क्लास हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने देखा, अगर हम कोई भी मेंबर को प्राइवेट बनाते हैं, उस मेंबर को हम आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस नहीं कर सकते, लेकिन मैं चाहता हूँ इस मेंबर को मैं आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस करूँ। तो चलिए देखते हैं किस तरह से हम प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो सिंपल, ये सब की जरूरत ही नहीं, मैं इसको हटा रहा हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत है मेरे को, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत, तो इसको मैं हटा रहा हूँ सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करने के लिए पहली बात, हमको गेट मेथड सेट मेथड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं गेट मेथड क्रिएट कर रहा हूँ, मैंने करा पब्लिक, मैं चाहता हूँ इस मेथड का कोई भी रिटर्न टाइप ना हो, तो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक वॉइड सेट रोल, ठीक है। तो ये मेरा मेथड का नाम है जो कि सेटर मेथड है, ठीक है। हम पहले वैल्यू को सेट करेंगे, फिर उसके बाद जो भी वैल्यू हमको मिलेगा उसको हम गेट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा पब्लिक वॉइड सेट रोल, फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से करा, यानी कि मेथड की बॉडी को मैंने क्रिएट करा, ठीक है। क्रिएट करने के बाद मैं चाहता हूँ सेट रोल के अंदर, यानी कि जो रोल नंबर होगा हमारा इन टाइप का होगा, तो यहाँ पर मैं एक पैरामीटर को पास कर रहा हूँ ताकि मैं उसको कंसोल पे शो करा पाऊँ। तो यहाँ पर मैंने करा इंट आर, सिंपल है। तो मैं चाहता हूँ जो रोल नंबर की वैल्यू है ये आर पे स्टोर हो जाए, मैं क्या करूँगा रोल इक्वल टू आर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आगे बताऊँगा किस तरह से काम कर रहे हैं। फिलहाल के लिए देख लो कि यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आर्गुमेंट को पास करा इंट आर, यानी कि जो आर हमारा इन टाइप का है, तो जो R की वैल्यू होगा रोल नंबर के साथ इक्वल होना चाहिए। तो मैंने क्या करा रोल नंबर इक्वल टू R, यानी कि रोल नंबर की वैल्यू को मैं R पे स्टोर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ पर तो वैल्यू तो हमको मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे इसके लिए हम गेट मेथड क्रिएट करते हैं। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक void गेट रोल, ठीक है। तो गेट रोल पर क्या करूँगा मैं इस वैल्यू को रिटर्न भी कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पर void यूज नहीं कर रहे तो रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर अगर मैं इंट करूँगा तो मैं इन टाइप को रिटर्न कर सकता हूँ, हालांकि मैं रिटर्न करना नहीं चाहता, तो क्यों करें रिटर्न, यहाँ पर मैं सिंपल प्रिंट कर लेता हूँ अच्छी समझ के लिए। तो यहाँ पर मैंने करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिंपल है। तो यहाँ पर हम करते हैं तो रोल नंबर इज, तो जो भी रोल नंबर कहाँ पर स्टोर होगा रोल पर स्टोर होगा, तो रोल पर तो स्टोर होगा, लेकिन इस आर का मतलब क्या बनी, इस आर का मतलब ये हुआ कि जो R है इसको हम पास करेंगे कंसोल पे, जो R की वैल्यू होगी ना इसको हम पास करेंगे कंसोल पे, जो भी वैल्यू हम पास करेंगे वो स्टोर हो जाएगा रोल नाम की वेरिएबल में, यहाँ तो सिंपल है। तो फिर से बता रहा हूँ, ये जो मेथड है यानी कि सेट रोल जो मेथड है, ये सेट रोल मेथड के अंदर हम कुछ पैरामीटर को पास करेंगे तभी जाके प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूट होगा, यानी कि इंट आर की रेफरेंस हम कुछ वैल्यू को पास करेंगे, आर की वैल्यू जो भी होगा वो स्टोर हो जाएगा रोल के अंदर। तो बेसिकली यहाँ पर रोल को हम प्रिंट कर रहे हैं द रोल नंबर इज प्लस रोल, ठीक है। तो नेम के लिए गेट और सेट मेथड बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने करा पब्लिक void सेट नेम, ठीक है। तो नेम हमारा स्ट्रिंग टाइप का होता है, तो यहाँ पर मैंने करा स्ट्रिंग n, n वेरिएबल के नाम है या वेरिएबल के नाम कुछ भी रख सकते हो। तो बेसिकली जो भी पैरामीटर हम पास करेंगे तो इसको मैं स्टोर करना चाहता हूँ नेम के अंदर। तो नेम हमारे यहाँ पर बनी है, तो यहाँ पर मैंने करा नेम इक्वल टू n, ठीक है। n की जो भी वैल्यू होगा वो आके पास हो जाएगा नेम के अंदर, ठीक है। तो जिस तरह से हमें पर सेट मेथड क्रिएट करा उस तरह से हम पर गेट मेथड को भी क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे का पब्लिक void गेट नेम, ठीक है। तो हमको वैल्यू मिल चुका है तो उसको अभी प्रिंट करेंगे गेट नेम की मदद से। तो यहाँ पर मैंने करा गेट नेम, सिंपल है। तो यहाँ पर मैं करता हूँ इसको सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सिंपल। अभी करते हैं द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज, द नेम कर लेते हैं नेम इज, तो नेम हमारा क्या है प्लस नेम, ठीक है। तो सिंपल यहाँ पर मैंने यूज़ करा सेमी कॉलन ताकि एंड ऑफ स्टेटमेंट पता चले। तो जैसे हमने नेम के लिए यहाँ पर इंप्लीमेंट करा गेटर और सेटर मेथड, किस तरह से एज के लिए भी इंप्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने कहा पब्लिक void पहले सेट करते हैं। यहाँ पर मैंने करा सेट एज, सेट एज। तो यहाँ पर मैं करता हूँ कुछ पैरामीटर को पास, यानी कि मैंने करा इंट ए। तो यहाँ पर करते हैं जो भी मेथड उसकी बॉडी को क्रिएट, फिर उसके बाद हम करते हैं एज इक्वल टू ए, यानी कि
जो भी ए की वैल्यू को हम पैरामीटर पे पास करेंगे वो आके स्टोर हो जाएगा एज के अंदर। यहाँ तो सिंपल है, तो यहाँ पर मैं करता हूँ पब्लिक, फिर हम करते हैं void, वैल्यू को लेने के लिए मैं करता हूँ गेट एज, सिंपल है। अभी करते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पर मैं करता हूँ द एज इज प्लस एज। तो ये था पूरी इंप्लीमेंटेशन गेट एंड सेट मेथड का। जैसे कि आपने देखा जो भी नंबर का मेरे को वैल्यू चाहिए मैं क्या करूँगा, जैसे रोल नंबर चाहिए मैंने करा सेट रोल नंबर गेट रोल नंबर, सेट नेम गेट नेम और सेट एज गेट एज, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो बेसिकली इसकी काम तो यहाँ पर ख़त्म है, यानी कि स्टूडेंट क्लास के काम यहाँ पर हमने खत्म कर दिया। अभी बात करते हैं एग्जाम्पल क्लास की, ठीक है। तो यहाँ पर जो सारे गेट और सेट मेथड है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास ऑब्जेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पर पहले से मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करके रखा जो कि स्टूडेंट एस इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। तो बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट रेफरेंस हम इसको कॉल अप करेंगे। तो यहाँ पर मैंने करा एस डॉट सेट रोल, ठीक है, सेट रोल। तो जो सेट रोल मेथड है इसके अंदर हमको कुछ पैरामीटर को पासअप करना पड़ेगा, यानी कि कुछ वैल्यू को पास करना पड़ेगा। तो मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पर जब मैं सेट रोल मेथड को डिफाइन कर रहा था तो यहाँ पर मैंने एक पैरामीटर को पास करा जो कि इंट आर, यानी कि इसकी रेस्पेक्ट में मेरे को कुछ वैल्यू को पास करना पड़ेगा। जो भी वैल्यू मैं पास करूँगा वो आके रोल नंबर पर स्टोर हो जाएगा कुछ इस तरह से, रोल नंबर इक्वल टू आर, सिंपल है। मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, यहाँ पर हम कुछ पैरामीटर को पास करते हैं, कुछ वैल्यू को पास करते हैं। यहाँ पर मैंने करा सेट रोल इक्वल टू वन, सिंपल है। तो यहाँ पर मैंने करा एस डॉट गेट रोल, ठीक है। जो भी रोल नंबर यहाँ पर इनपुट करेंगे उसको कंसोल पे डिस्प्ले करवाने के लिए हम गेट मेथड की मदद लेते हैं। तो गेट रोल मेथड के अंदर जो भी स्टेटमेंट हो गए वो सिंपल यहाँ पर प्रिंट कर देगा, यानी कि गेट रोल मेथड देख लेते हैं क्या है। गेट रोल मेथड के अंदर है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन रोल नंबर इज प्लस रोल, यानी कि क्या होगा, यानी कि मैं यहाँ पर पास करा आर, सिंपल इसको समझते हैं। यहाँ पर मैंने करा इंट आर इक्वल टू वन, यानी कि आर की वैल्यू फिलहाल वन है, तो रोल नंबर इक्वल टू आर, यानी कि रोल नंबर इक्वल टू वन हो गया, यानी कि रोल इक्वल टू वन हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात को। यहाँ पर मैंने पैरामीटर में पास करा इंट आर की रेस्पेक्ट में एक वैल्यू को पास करा जो कि वन, यानी कि यहाँ पर वन है, इंट आर इक्वल टू वन है, सिंपल है। ऐसे नहीं होता है फिलहाल, इंट आर इक्वल टू वन यानी कि आर की वैल्यू वन है। तो यहाँ पर मैंने करा रोल नंबर इक्वल टू आर, यानी रोल इक्वल टू आर, यानी कि जो रोल है उसकी वैल्यू आर से इक्वल होना चाहिए, यानी कि आर की वैल्यू क्या वन है, तो रोल की वैल्यू भी वन हो जाएगा। तो बेसिकली रोल नंबर की वैल्यू वन है, तो हम इस रोल नंबर को प्रिंट कर रहे हैं, तो रोल नंबर इज प्लस रोल, यानी कि रोल नंबर की वैल्यू क्या है वन है, तो सिंपल कंसोल पे वन प्रिंट हो जाएगा। समझ रहे हो कैसे काम कर रहे हैं? अगर आपको समझ नहीं आ रहा इसको बार बार देखते जाना, आपको समझ आ जाएगा। तो इसको मैं सिंपल यहाँ से हटा रहा हूँ, इसको भी यहाँ से हटा रहे हैं। तो यहाँ पर रोल नंबर की काम ख़त्म, अभी करते हैं नेम की, एस डॉट सेट नेम, ठीक है। सेट नेम में मैं कुछ नेम को पास करता हूँ, यहाँ पर मैंने करा सचिन को पास करते हैं, यहाँ पर मैंने करा सचिन एस एस सी एच आई एन, ठीक है। फिर करते हैं एस डॉट गेट नेम, तो यहाँ पर मैं इसको कॉल करा जो कि एस डॉट गेट नेम, तो यहाँ पर नेम प्रिंट हो जाएगा। फिर उसके बाद करते हैं एज को एज डॉट सेट एज में, यहाँ पर डालता हूँ मैं 21, तो यहाँ पर करते हैं एज डॉट गेट एज, इसको मैं कॉल कर रहा हूँ कुछ इस तरह से, सिंपल। यहाँ तक जो प्रोग्राम है बिल्कुल बनके तैयार है, यानी कि मैं फिर से बता दूँ, यहाँ पर मैंने पास करा वन को, तो वन जाएगा कहाँ पर स्टोर होगा, वन जाके स्टोर हो जाएगा इंट आर पे। यहाँ तो सिंपल है, आर की वैल्यू फिलहाल वन है, तो अगर आर की वैल्यू वन है तो रोल नंबर की वैल्यू भी वन हो जाएगा, यानी कि रोल नंबर इक्वल टू आर हमने यहाँ पर करा था, तो बेसिकली आर की वैल्यू वन है तो रोल नंबर इक्वल टू वन हो जाएगा। यहाँ तो सिंपल है, अगर रोल नंबर वन है तो यहाँ पर प्रिंट कर देंगे तो रोल नंबर इज प्लस रोल, यानी कि रोल नंबर की वैल्यू हमें प्रिंट हो जाएगा। तो बेसिकली कुछ इस तरह से नेम को भी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो स्ट्रिंग एन था इसकी रेस्पेक्ट में मैंने पास करा सचिन को, यानी कि एन की वैल्यू क्या है, सचिन है, ठीक है, सचिन। यहाँ तो सिंपल है, ये जो सचिन है यह के स्टोर होगा एन पे। तो हम करते हैं नेम इक्वल टू, नेम इक्वल टू क्या हो जाएगा एन, एन इक्वल टू क्या है सचिन। तो यहाँ पर हम सचिन को प्रिंट कर रहे हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन द नेम इज प्लस नेम, यानी कि नेम के अंदर क्या है सचिन है, तो सचिन प्रिंट हो जाएगा। बड़ा आसान सा चीज़ है। तो जैसे नेम और रोल नंबर यहाँ पर प्रिंट हो चुके हैं, इस तरह से एज को प्रिंट करेंगे। तो बेसिकली एज में मैंने यहाँ पर इंट ए की रेस्पेक्ट में मैंने यहाँ पर क्या करा था, यहाँ पर मैंने वैल्यू को इनपुट करा था जो कि 21 था। तो 21 कहाँ पे स्टोर होगा, ए पे। तो एज की वैल्यू क्या हो जाएगी, 21 हो जाएगी, यानी कि एज इक्वल टू ए, ए की वैल्यू 21, सिंपल है। तो बेसिकली हम एज को प्रिंट कर रहे हैं, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द एज इज प्लस एज, सिंपल है। कुछ इस तरह से गेटर और सेटर मेथड काम करता है। तो उसको एक्सेस करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो कुछ इस तरह से हम मेथड को कॉल करते हैं, उसकी रेस्पेक्ट में कुछ वैल्यू को इनपुट करते हैं, तो ये हमारा आसानी से कंसोल पे जो भी सारे वैल्यू प्रिंट करवा देता है। तो अब करते हैं कंट्रोल एस, सेव करते देखते हैं प्रोग्राम चल रहा है कि नहीं। जावा सी एग्जाम्पल डॉट जावा, तो यहाँ पर मैं
कमेंट करना भूल गया, पहले इसको कमेंट कर लेते हैं ताकि कोई एरर ना आए। ये गलती मेरे साथ हमेशा होता है, मैं कमेंट करने भूल जाता हूँ। पर 21 को हटाते हैं, इसकी कोई मतलब ही नहीं बनती। पहली बात तो सचिन को यहाँ से हटाते हैं। आपको मैंने ड्राई रन करके दिखा रहा था तो यहाँ पर मैं इसे छोड़ दिया, तो यहाँ पर मैं वन को भी यहाँ से हटा रहा हूँ। सिंपल है, तो अब तो चलना चाहिए। कंट्रोल एस सेव हो गया है प्रोग्राम। जावा सी एग्जाम्पल और जावा, यहाँ पर देख सकते हो बिल्कुल कंपाइल हो रहा है, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है, अभी करते हैं जावा एग्जाम्पल। सिंपल है, द रोल नंबर इज 1, द नेम ऑफ द स्टूडेंट इज सचिन, द एज ऑफ द स्टूडेंट इज 21। हालांकि जिस तरह से हमने यहाँ पर एक्सपेक्ट करा था उस तरह से यहाँ पर वैल्यू को ये शो करवा रहा है, यानी कि जो सारे रोल नंबर नेम और एज है सारे का सारे प्राइवेट है। तो आपने देखा कि किस तरह से हम प्राइवेट मेंबर को बाय यूजिंग गेट और सेट मेथड कंसोल पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो ये था छोटा सा प्रोग्राम आपको बताने के लिए कि किस तरह से हम गेट और सेट मेथड के यूज करके प्राइवेट मेंबर को आउटसाइड ऑफ क्लास एक्सेस कर सकते हैं। तो ये था द एफिशिएंट यूज ऑफ गेट एंड सेट मेथड। इस प्रोग्राम को अपने सिस्टम बना के देखिएगा, अगर कहीं भी फंसते हो कुछ भी एरर आता है तो आपकी जो भी डाउट है आप हमको मेल कर सकते हो या तो कमेंट करके पूछ सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। अगर आपको लगता है कहने के काम का चीजें, कोई भी चीज़ें पर सीखने को मिला, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स ताकि वो लोग वीडियो देख पाए। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।